हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ब्लॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आज हम बात करेंगे 22 दिसंबर को आए हुए वीज़ा की टाइमलाइन के बारे में। देखते हैं आज कौन कौन प्रोफाइल पे वीज़ा आए हैं। सबसे पहला 12th नॉन मेडिकल 2021 हरियाणा बोर्ड 91% है। PTO ओवरऑल 57, नॉट लेस देन 52। मेडिकल 29 नवंबर को हुआ था, 6 दिसंबर को अपडेट हुआ था, 2 दिसंबर को लॉज हुई थी, 22 दिसंबर को इनका वीज़ा आ गया है। वीज़ा इनका विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सिडनी का है। ऑफ़र लेटर 2 सितंबर को आया था, इंटरव्यू 21 नवंबर को आया था, GT क्लियर 22 नवंबर को हुई थी इनकी। तो इन भाई का ऐसा प्रोसेस था। तो नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं हम। मेडिकल 12 नवंबर को, लॉज डेट 2 दिसंबर थी, ग्रांट 21 दिसंबर को हुआ है, 10th 80% हैं, 12th 83% हैं। कोर्स बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फेडरेशन यूनिवर्सिटी है इनकी, 2021 पास आउट हैं ये। इनका भी 21 दिसंबर को वीज़ा आ गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करेंगे। इसमें ओवरऑल 67 इनका स्कोर था PTE में, 93% 10th में थे 2019 में पास किए, 98% के 12th में थे, 21 में पास हुई थी। ECU यूनिवर्सिटी इन पर्थ में है इनकी, 25 लाख इन फादर अकाउंट में दिखाए थे, गैप क्लियर्ड जस्टिफिकेशन थी इनकी। फाइल लॉज इनकी 2 दिसंबर को हुई थी और रिफ्यूज़ल इनका आया है। उसके बाद रीज़न इनका माइग्रेशन एक्ट था ये। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी थी, बैचलर ऑफ नर्सिंग है, 10th CBSE 94% 2019, 12th CBSE 88.4% 2021, PTE स्कोर 79 ईच। ऑफर लेटर 6 दिसंबर को आया था, COE 9 दिसंबर को आई थी, मेडिकल 12 दिसंबर को हुआ था, मेडिकल अपडेट 17 दिसंबर को हुआ था, फाइल लॉज 21 दिसंबर को हुई थी और इनका 22 दिसंबर को वीज़ा मिल गया है इनको। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं हमें। और इसके बाद ये 12 नवंबर को इनका मेडिकल हुआ था, लॉज 2 दिसंबर को हुई थी, ग्रांट 21 दिसंबर को इनका वीज़ा हुआ है, 10th 2019 में, 12th 2021 में। यूनिवर्सिटी थी फेडरेशन यूनिवर्सिटी थी और इनका वीज़ा आ गया है। थैंक यू सो